हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं करंट अफेयर 2020 से एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रमुख सरकारी योजनाएं। दोस्तों, इस टॉपिक से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको हर एक वीडियो की इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ डिटेल भी पूरा बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 2020 में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी। तो दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है। दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, इस योजना के तहत राज्य में किसानों के उन परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान कराई जाएगी जिनकी खेतों में काम करते समय दुर्घटना के कारण मृत्यु हो जाती है या जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने शिव भोजन योजना का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर शिव भोजन योजना का शुभारंभ किया। दोस्तों, आपको याद रखना है इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को मात्र 10 रुपए में भोजन उपलब्ध कराना है। दोस्तों, पायलट योजना के तहत हर जिला मुख्यालय में कम से कम एक शिव भोजन कैंटीन शुरू की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना का शुभारंभ किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों, अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, ने आरोग्य श्री योजना का शुभारंभ किया है। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है, इस योजना का उद्देश्य गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान कराना है। क्या है दोस्तों? गरीबों को मुफ्त चिकित्सा प्रदान कराना इस योजना का उद्देश्य है। याद रखिएगा, आरोग्य श्री योजना कहाँ से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, किस राज्य सरकार ने सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल की कोलकाता पुलिस ने सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण शुरू किया है। दोस्तों, आपको याद रखना है इस योजना का उद्देश्य। तो दोस्तों, इस योजना के तहत शहर के स्कूल व कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियों को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना है। याद रखिएगा, सुकन्या परियोजना का तीसरा संस्करण कहाँ किया गया शुरू दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस राज्य सरकार ने अम्मा बोडी योजना का शुभारंभ किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया जगन मोहन रेड्डी, ने 9 जनवरी 2020 को चित्तूर में अम्मा बोडी योजना शुरू की। दोस्तों, याद रखिएगा, किसी भी योजना को आप कैसे याद रखेंगे? उसका स्टेट यानी कि राज्य और उसका उद्देश्य, दो ही चीजें पूछी जाती हैं दोस्तों, याद रखिएगा। और इसका उद्देश्य है कम आय वाले परिवारों से स्कूल जाने वाले बच्चों की माताओं को 15,000 रुपये की वार्षिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी इसके द्वारा, अम्मा बोडी योजना के द्वारा। कहाँ लागू की गई दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जनवरी 2020 में यशस्विनी योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों स्मृति ईरानी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्रीय कपड़ा मंत्री, जिनका नाम है स्मृति ईरानी, ने गोवा में यशस्विनी योजना का शुभारंभ किया। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य आप याद रखिएगा, इसके तहत महिला स्वयं सहायता समूह को व्यापार के लिए 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण, यानी कि इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, जिससे वे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सात,
किस राज्य ने छात्रों के लिए जगन्नाथ वास्तुदेव नामक योजना का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने के मुख्यमंत्री वाई एस जगनमोहन रेड्डी ने राज्यों के छात्रों के लिए जगन्नाथ वास्तुदेव नामक योजना का शुभारंभ किया है। किसके लिए दोस्तों, ये किसके लिए है? छात्रों के लिए। याद रखिएगा इसका उद्देश्य यदि कोई छात्र 12वीं के बाद आईटीआई करता है तो उसे 10,000 रुपये हॉस्टल व मेस के लिए सालाना दिए जाएंगे। यदि कोई छात्र पॉलिटेक्निक करता है तो उसे 15,000 रुपये और यदि कोई छात्र स्नातक करता है तो उसे 20,000 रुपये सालाना राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। तो दोस्तों अब आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है क्या। तो याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 को गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू की गई थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। दोस्तों इस योजना के तहत गर्भ अवस्था के दौरान समुचित आराम व पोषाहार सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। हाल ही में किस राज्य में डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना का शुभारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने एक डोर स्टेप पेंशन वितरण योजना शुरू की है जिसका नाम है YSR पेंशन कनुका। याद रखिएगा दोस्तों YSR पेंशन कनुका इस योजना का नाम है और साथ ही साथ आपको याद रखना है इसका उद्देश्य। दोस्तों इस योजना में बुजुर्ग व्यक्तियों को घर जाकर पेंशन देना शुरू किया है जिससे बुजुर्ग व्यक्तियों को बैंक ना जाना पड़े। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में 2020 में सरकार द्वारा कितने राज्यों में अटल भूजल योजना को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों 7, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा 7 राज्य। ये राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? ये राज्य हैं गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में कहां डेयरी सहकारी योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में डेयरी सहकारी योजना को मंजूरी दे दी गई है। दोस्तों इस योजना के तहत सरकार लाभार्थी सहकारी समितियों को 50% ऋण व 20% शेयर पूंजी प्रदान करेगी। तो आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों को स्टॉल प्रदान करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दिव्यांग नागरिकों के कल्याण के लिए एक अनूठी योजना शुरू की है। दोस्तों सरकार प्रमुख स्थानों पर दुकानें खोलने के लिए दिव्यांग लोगों को स्टॉल प्रदान करेगी। दोस्तों सरकार IIT के पूर्व छात्रों द्वारा संचालित एक NGO की मदद से 100 बस स्टॉप पर दिव्यांगों को स्टॉल आवंटित करेगी ताकि वे स्वतंत्र हो सकें और अपनी गरिमा के साथ जी सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस राज्य सरकार ने स्कूल छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने छात्रों की रोजगार की संभावना को उज्ज्वल करने के लिए उद्देश्य 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के साथ ही स्नातक पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक इंटर्नशिप योजना को शुरू किया है। दोस्तों योजना के तहत छात्रों को विभिन्न तकनीक संस्थाओं से और उद्योगों से जोड़ा जाएगा। इसके अंतर्गत 6 महीने से 1 वर्ष के लिए इंटर्नशिप करने वाले प्रत्येक युवा को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। किस राज्य द्वारा नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए जन सेवक योजना की शुरुआत की गई?
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के लिए जन सेवक नामक योजना का आरंभ किया गया। दोस्तों याद रखिएगा इसका उद्देश्य क्या है, तो इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं जैसे कि राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड की सभी सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी की जाएगी। दोस्तों इस योजना का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ घर घर पहुंचाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है हरियाणा, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा हरियाणा राज्य सरकार के 100 दिन पूरे होने पर मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया गया। दोस्तों इसके अंतर्गत सरकार 2,000 रुपए की 3 किस्तों में यह पैसा गरीब परिवारों को देगी। इस योजना के तहत बीमा व पेंशन के प्रीमियम मिलाकर 6,000 रुपए सालाना आर्थिक सहायता परिवार को मिल सकेगी। लेकिन दोस्तों इसके लिए जरूरी क्या है, तो याद रखिएगा इस योजना का लाभ लेने के लिए पहचान पत्र जरूरी होगा। दोस्तों आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की जरूरत है, तो मैंने एक 1000 स्टैटिक जीके का, यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।